आज ना पहले तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही हमारा चल रहा है, थर्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वहां से, ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, इसका बस थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे दे रही हूँ ट्रांसक्रिप्शन से पहले का, कि वही जो एंजाइम्स ना कौन कौन से हमें चाहिए होते हैं, कि लाइक हमें ना रेप्लिकेशन अगर पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये अपन को पता है। देखो, रेप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। तो आपने जो पहली चीज है रेप्लिकेशन, वो पढ़ चुके हैं। तो रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, रेप्लिकेशन में कैटलिस्ट सही होता है, जो कि होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो मैम ने बता दिया होगा। ठीक है, तो अब ना रेप्लिकेशन जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये याद रखना, ये आपको याद होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये करवा रहा है। अब ऐसा नहीं ना, ये एक ही डायरेक्शन, इसकी कोई सी भी डायरेक्शन में करवा रहा है। तो ये जो पॉलीमराइज करवाता है ना रिएक्शन, कौन सी डायरेक्शन में करवाता है, एक ही डायरेक्शन में करवाता है, 5 से 3 डैश की डायरेक्शन। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है। तो ना अब देखो क्या होता है, ये एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो जो एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो फिर आपने देख लिया होगा कंटिन्यूस ट्रेंड होती है एक, ये वाली जो है, जो बिना टूटी उस ट्रेंड है, इसको कंटिन्यूस ट्रेंड बोलेंगे, मैम ने बता दिया होगा। और ये वाली जो है, इसको डिसकंटिन्यूस बोलेंगे, इसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा होगा, हाँ राइट, इसको हम बोलते हैं रेप्लीकेशन फॉर्क, ये पढ़ लिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या होता है, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ये ड्यूअल पर्पस ना करता है शो, कि मतलब ये सब्सट्रेट की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, और ये हाई एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, आपने ये भी पढ़ लिया होगा राइट। फिर इसके बाद वो पूरा रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब पढ़ लिया होगा, कि ये जो पार्ट है ना, बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और तो क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। चलो ये तो सॉर्टेड है, ये बच्चों को क्लियर है। तो बस मेरे को वही जानना था कि समझ आया नहीं आया आपको, अगर किसी को नहीं आता तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, ज्यादा कुछ था नहीं बस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा वाला टॉपिक। अभी अभी आएगा, वो आएगा। ठीक है, ठीक है। देखो जैसे अगर ये है ना, ये एक सेकेंड, ठीक है आप छोड़ो, अभी इसको सब डायग्राम के साथ आएगा। आज अपन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तैयार हो सब? तो देखो बेटा, हमारा हो चुका है रेप्लिकेशन, तो सेकंड पार्ट जो आता है वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन है क्या, सबसे पहले तो ये जानना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इट इज अ प्रोसेस। डेफिनेशन देखो, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इंटू आरएनए। अभी तक हमने दो दो स्ट्रैंड वगैरह सब पढ़ लिया था, सब पढ़ लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अब रेप्लिकेशन में दो स्ट्रैंड बन चुकी है, एक पेरेंटल होती है और एक जो क्या नाम है, मेन स्ट्रैंड होती है। ठीक है, रेप्लिकेशन स्ट्रैंड। अब ना देखो क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन में, क्या होगा कि जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं आगे भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रिया है, प्रिया ने इंफॉर्मेशन अपने पास रख ली, प्रिया को अपने है ना जो आगे इंफॉर्मेशन पहुंचवानी है जेनेटिक, उसके लिए उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करना पड़ेगा, बहुत सारी कॉपीज बनानी पड़ेगी। तो ये कॉपी करने का जो प्रोसेस है ना, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इंटू आरएनए, तो डीएनए से आरएनए में जो इंफॉर्मेशन जाती है, वो वाला जो प्रोसेस है, उसको प्रिया ने कहा है ट्रांसक्रिप्शन।
ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्रेस ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो आप लोगों को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था क्या होता है, याद है ना, कि अगर एक कोई है तो उसके सामने दूसरा आ ही आएगा। तो याद है एक के सामने कौन सा होता है तो दूसरे के सामने कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री में एक के सामने हमेशा टी आता है और जी के सामने हमेशा सी आता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का रूल है। पर देखो ये हम क्यों पढ़े थे, मैंने आपको बताया था अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है और यहाँ पे आपके जैसे ए है, यहाँ पे आपके टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, तो ये जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रेंथ है यहाँ पे हम पता कर पाएंगे। जैसे ए के सामने टी आ जाएगा, टी के सामने ए आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, और ये बना लेंगे तो ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ये मैं आपको बता चुकी थी है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री रूल तो ये कह रहा है, पर ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा है ना, ध्यान में रखना चीज क्या हो रही है कि ए के सामने हमेशा टी आता है, पर इस वक्त क्या हो जाएगा, ए के सामने टी नहीं आएगा, ए के सामने क्या आएगा, यू आएगा, यूरेसिल। क्योंकि कॉपी कहाँ पे हो रही है, इंफॉर्मेशन कहाँ हो रही है, इंफॉर्मेशन आरएनए, राइट। तो अभी क्लियर हुआ, आरएनए में हमारे को इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है, इसलिए यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यू आएगा। तो ये याद रखना, बस ये डिफरेंस है, ये थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी था, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रख लेना यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में कि हमेशा ना ए के सामने यू आएगा, ठीक है, टी नहीं आएगा, क्योंकि वो हम जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में कर रहे हैं ना कि डीएनए में, ठीक है। ओनली वन सेगमेंट ऑफ डी ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू आरएनए अनलाइक रेप्लिकेशन। हाँ, जुबिया अपन ने क्लास में पढ़ा था ना कि जो है यूरेसिल वो होता है हमारे आरएनए, यूरेसिल आरएनए में होता है और जो थाइमिन होता है वो डीएनए में होता है। तो यूरेसिल और थाइमिन एक दूसरे के दुश्मन है, बोलता है यूरेसिल या तो मैं होऊंगा या फिर थाइमिन होगा। तो यूरेसिल ने डिसाइड कर लिया मैं आरएनए के पास रहूंगा, और थाइमिन ने डिसाइड कर लिया मैं डीएनए के पास रहूंगा, ठीक है। देखो ये जो मैंने लाइन लिखी है, समझ आया इससे कुछ? देखो इसके अंदर मैंने क्या बताया था, मैम ने आपको बताया होगा, रेप्लिकेशन में ना पूरा जो स्ट्रैंड होता है, पूरा जो स्ट्रैंड है ये डीएनए का, ये पूरा डुप्लीकेट हो रहा है, पूरा कॉपी होता है। पर इसके अंदर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में, एक एक हम पोर्शन लेते हैं, ऐसे एक एक पोर्शन लेते हैं, ठीक है, एक सेगमेंट लेते हैं और इस सेगमेंट का कन्वर्जन होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या बताया, दोनों सेगमेंट्स नहीं ली जा रही है और एक पोर्शन लिया जा रहा है, एक एक स्ट्रैंड का लेके काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछ रही हूँ उसका जवाब देना, व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड, दोनों एक साथ कॉपी क्यों नहीं होती है ट्रांसक्रिप्शन में, इसका मुझे कोई आंसर बताएगा। दो रीजन है बहुत बड़े बड़े कि भाई इस वजह से ना दोनों को हम साथ में नहीं ले सकते थे। देखो रेप्लिकेशन में तो दोनों चीजें साथ में चल रही थी, ठीक है, रेप्लिकेशन तो बहुत टुच्चू मुच्चू सा प्रोसेस है, बात यह है ट्रांसक्रिप्शन में दोनों चीजें साथ में क्यों नहीं हो रही, ये दोनों स्ट्रैंड, ये वाली और ये वाली, दोनों स्ट्रैंड एक साथ क्यों नहीं डुप्लीकेट हो रही है, ठीक है। तो देखो मेरे को किसी का आंसर नहीं आ रहा है मैम, क्यों नहीं मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, बताओ। तो इफ्रा बोलती है मैम क्यों नहीं बताओ, ठीक है मैं ही बताती हूँ। देखो अब हम दोनों स्ट्रेंड्स को इसलिए साथ में नहीं ले सकते, पहला वाला ना ये रीजन देखो मैं जो बता रही हूँ ये बहुत थोड़ा हार्ड सा है तो समझना, ठीक है। इफ बोथ स्ट्रेंड,
अगर दोनों स्ट्रैंड ठीक है, एक टेस्ट टेम्पलेट, अगर दोनों अगर टेम्पलेट की तरह काम करने लगी ठीक है, तो क्या होगा, दे विल कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंसेस। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक की टेम्पलेट चलती थी, जब भी मैंने देखो लास्ट स्लाइड में बताया कि एक का पता है ये देखो, और इससे हम दूसरे का पता लगा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल से, पर हमने यहाँ पे भी कुछ लिख दिया है, यहाँ पे भी कुछ लिख दिया है, तो ये किसी और के अगेंस्ट ये सामने कोड करेगा, टी किसी और के लिए कोड करेगा, तो एक एक और वो आ जाएगा, ये भी फिर किसी और के लिए कोड करेगा, ये भी किसी और के लिए कोड करेगा, तो बेटर है ना एक ही का सीक्वेंस पता हो तो उसके सामने फिर उसका सीक्वेंस आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, पर दोनों के सामने लिख दिया तो दोनों अपने अपने चलाएंगे ठीक है। तो इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट कोड आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस ठीक है, और फिर अगर वो डिफरेंट सीक्वेंसेस चलो मैम बना भी ली, तो हमारे घर से क्या जा रहा है, बनाने दो ना यार उनको जितना बनाना है, तो बेटा अगर उन्होंने और बनाया ना तो दे विल कोड फॉर प्रोटीन, अगर ये जो ऐसे बनाते हैं ना ए टी से मिलता है आदमी, ए जैसे यहाँ पे यू का बनाता है बॉन्ड, जी सी के साथ बना रहा है, तो फिर ये आगे जाके क्या करता है प्रोटीन बनाते हैं, जो अपन ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, तो ये प्रोटीन बनाते हैं, तो अगर इसने किसी और के साथ बना लिया, इसने कोई और के साथ बना लिया, तो क्या होगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज डिफरेंट, तो आगे जाके वो अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बना दे रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन क्या होता है लाइन सीरीज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, तो जो अमीनो एसिड की चेन है वो भी बिगड़ जाएगी, तो हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन की, मतलब एक जो सेगमेंट है वो दो डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड कर देगी, मतलब दो अलग अलग चीजों के लिए कोड कर देगी, पर हमने क्या सीखा है कि एक कोई भी एक चीज एक ही चीज को कोड करती है, दो अलग अलग चीजों के बारे में नहीं बताती, लाइक अगर समीर की एक क्वालिटी है तो वो समीर की एक क्वालिटी है, अब समीर के दो साइड नहीं हो सकते कि मतलब समीर एक तरफ इंट्रोवर्ट भी बनने की कोशिश कर रहा है और एक तरफ एक्सट्रोवर्ट भी बनने की कोशिश कर रहा है, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना यार समीर यार ये क्या कर रहे हो, हमें बता दो तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, फिर हम उस इंसान को बोलते हैं नहीं 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 ये तो फेक इंसान है, बट समीर पता है हमारा समीर थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, तो समीर समीर है ठीक है, समीर की जो क्वालिटी है, तो एक सेगमेंट जो है वो दो डिफरेंट प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता, वो एक ही प्रोटीन को कोड करे, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टेम्पलेट का वो चाहिए होता है, एक ही टेम्पलेट डुप्लीकेट करती है। नहीं, अभी प्रिया प्रिया को नहीं अभी पकड़ेंगे, प्रिया को नहीं पकड़ रहे अभी, प्रिया को किसी अच्छी जगह पकड़ेंगे अपन ठीक है। तो और इसकी वजह से क्या होता है कॉम्प्लिकेट जेनेटिक मशीनरी ठीक है, तो प्रोसेस बहुत हार्ड हो जाता है इसलिए हम ये सब नहीं करते। दूसरी चीज दूसरा जो रीजन है ये तो यार देखो भर गया, मैं इसको दूसरी जगह एक्सप्लेन करती हूँ, और जो दूसरा रीजन है वो ये है टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, अगर दोनों एक साथ होने लग गए वुड बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, और क्या बनाते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रिवेंट आरएनए बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। अभी तो हम ना यही सब बातें कर रहे हैं कि भाई अभी तो हम प्रोटीन वगैरह बना रहे हैं, क्या नाम है, हम अभी तो स्ट्रैंड्स ही बना रहे हैं पूरी तरह से, स्ट्रैंड्स कैसे बनती है क्या चलता है क्या नहीं, फिर हम आगे प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में कॉपी हो रही है ठीक है। तो अब जब इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक डीएनए से एक आरएनए में कन्वर्ट हो रही है, और दूसरा रीजन ये है कि अगर दो एक साथ होने लग गए, तो अगर दो चीजें एक साथ हो रही है तो वो अपनी अपनी चीजें अलग करेगी, जिसकी वजह से पता है क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है, और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जा रहा है तो दिक्कत ये आ रही है कि वो क्या करेगा प्रिवेंट आरएनए बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, आरएनए जो है ना वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है
ठीक है, उसके लिए हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही चाहिए होता है ट्रांसलेट करने के लिए। ये अभी आगे आपका जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना तब आएगा कि कैसे, ठीक है, राइट। हाँ तो सिंगल ही क्यों चाहिए होता है, कैसे ना, वो अभी हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चों को था कि एक मैम डायग्राम बता दो, डायग्राम बता दो, तो मैं अभी ना आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, रुको एक सेकेंड दो मेरे को। डायग्राम दिख रहा है मैम अच्छा ऐसा ऐसा जो भी, आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, थैंक यू। ठीक है देखो ये डायग्राम दिख रहा है, सब बच्चे ना डायग्राम की मांग कर रहे थे। तो ये बेटा क्या है, देखो ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्या है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो मैं इतनी कहानी कर रही हूँ, इतनी रामायण गा रही हूँ, जिसके लिए गा रही हूँ ना, वो इसी के लिए गा रही हूँ। ये जो राम कथा अपन चला रहे हैं ना, वो इसी के लिए चला रहे हैं, ठीक है। ओ कीर्ति लाइक ऑलवेज अच्छा समीर हमेशा ना एक एक्सेप्शनल डायलॉग लेके आता है, मैम आप रोज ही बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। अरे मक्खन क्यों लगाए जा रहा है लाइक ना जैसे समीर और प्रिया को मैं साथ में रख देती हूँ, वैसे मैं समीर और इफ्रा को हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रखूंगी। मतलब यहाँ पे डिशम डिशम वाली स्टोरी से मैंने आपको बताई थी कि कोई बच्चा और वो जैसे किसी एंटीजन से लड़ना होता है एंटीबॉडी को, वैसे समीर है एंटीबॉडी और इफ्रा है एंटीजन, तो ये दोनों एक दूसरे से हमेशा ना लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो देखो अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तीन चीजें होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, एक होता है प्रमोटर, ठीक है, दूसरा होता है द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, और एक होता है टर्मिनेटर। तीन चीजें याद रखो, एक होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और एक होता है टर्मिनेटर, ठीक है। तो अब क्या है, प्रमोटर है ना जो हमेशा, देखो हमेशा जो प्रमोटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ से, और जो ट्रांसक्रिप्शन है ना वो हमेशा यहाँ से, अभी इस वाले डायग्राम में हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो प्रमोटर कौन से एंड पे प्रेजेंट है, कौन से स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है, प्रमोटर फिफ्थ एंड पे प्रेजेंट है। ये ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, फिफ्थ एंड थर्ड एंड, मैम फिफ्थ एंड इधर भी है, मैम फिफ्थ एंड इधर भी है, मैम कौन सा वाला फिफ्थ एंड ले रहे हो यार, दिमाग का दही बड़ा हो जाता है। देखो ये जो फिफ्थ एंड है ना, ये वाला जो हमेशा अपन लेते हैं कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड वाले के हिसाब से, कोडिंग स्ट्रैंड के वाले के हिसाब से, इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से नहीं लेते। तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो फिफ्थ एंड होता है ना, वहां पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है, और कोडिंग स्ट्रैंड का जो थर्ड एंड होता है उसको हम बोल, और उधर प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर। ये सबको क्लियर हुआ आज, तो कंफ्यूज मत होना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का थर्ड एंड ले, कोडिंग स्ट्रैंड का थर्ड एंड ले। कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ एंड पे प्रेजेंट होता है प्रमोटर, कोडिंग के थर्ड एंड पे प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर। तो प्रमोटर प्रेजेंट होता है जहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, और टर्मिनेटर हमारा वहां पे प्रेजेंट होता है जहां पे चीजों को टर्मिनेट करने का होता है, जहां पे रोकने का होता है। तो ये हमेशा एंड में प्रेजेंट होता है, तो जहां से चीजें शुरू होती है ना उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, और जहां पे चीजें खत्म होती है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, कंफ्यूज ना होना फिफ्थ एंड और थर्ड एंड में। आई थिंक इसके बाद अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो देखो कोडिंग स्ट्रैंड का जो फिफ्थ एंड है
वहां पे प्रमोटर प्रेजेंट है, कोडिंग स्ट्रैंड का जो थर्ड एंड है वहां पे टर्मिनेटर प्रेजेंट है। तो अब ना क्या हुआ, जो कीर्ति है वो सोची कि मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है, ये सब मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, मैं अपना दिमाग चलाऊंगी। मैंने क्या किया, कीर्ति ने आके प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर कर दिया और टर्मिनेटर की जगह प्रमोटर को कर दिया, इन दोनों की प्लेस बदल दी। बोले नहीं मैं तो नहीं मानती, ये सब फर्जी चीजें, मैं मेरे हिसाब से करूंगी। मैं इस यहाँ पे टर्मिनेटर को रख दिया इसने उठा के, और प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर को रख दिया, टर्मिनेटर की जगह पर प्रमोटर कर दिया। पर नहीं, ये जो स्ट्रेंथ थी कोडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, समझ रहे हो अभी मैं क्या बोली, पोजीशन चेंज के पहले वो बताओ, वो समझ आ रही है ना। ठीक है, तो अगर हमने पोजीशन चेंज की तो हमारी तो फिर वो लैंग्वेज, हमने जो डेफिनेशन दी है कोडिंग स्ट्रैंड की, वो भी बदल जाएगी। तो क्या हुआ, प्रमोटर इधर चला गया, टर्मिनेटर इधर चला गया, तो उसके लिए क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड भी ऊपर चला जाएगा और टेम्परेट स्ट्रैंड नीचे आ जाएगा। मतलब इनकी पोजिशनिंग भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें जो भी करना होता है ना वो कोडिंग स्ट्रैंड के अराउंड करना होता है। तो अगर प्रमोटर टर्मिनेटर बदलेगा तो कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्परेट स्ट्रैंड भी बदलेगी। ठीक है, क्लियर है सबको, क्योंकि हमें सबको कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही करना होता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, डायग्राम समझ आ गया सबको, राइट? समीर क्लियर हुआ अभी कि हम फिर कोडिंग स्ट्रैंड को भी बदलेंगे? ठीक है, तो देखो अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का भी आपने डायग्राम देख लिया है ना, ये अभी डायग्राम मैंने दिखाया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ही। तो अब इसमें चीजें कैसे हो रही है वो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ना एक और चीज मैंने आपको दिखाई यहाँ पे, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस नहीं किया, स्ट्रक्चरल जीन। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज भी मैंने बताया था, तीन चीजें होती है, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। अब हम थोड़े यहाँ पे जीन के बारे में बात करने वाले हैं यार, ठीक है। तो देखो आपने ये देख लिया, जीन प्रेजेंट ऑन डीएनए, जीन हमेशा डीएनए पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज, डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए डिफाइन जीन। मतलब डिफाइन हम ना जीन को ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, कि जो डीएनए की सीक्वेंस है वो कोड करती है टीआरएनए और आरएनए। ये भी पूरा आगे आने वाला है, टीआरएनए के लिए कैसे कोड करती है, आर के लिए कैसे कोड करती है, ये सबको पता है ना कि एमआरएनए। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एमआरएनए क्या होता है फटाफट बताओ, टीआरएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है? mRNA is messenger RNA, tRNA is और RNA फटाफट बताओ, राइट? कौन सी बच्ची नाराज हो गई हमारी? अरे कौन नाराज हो गया? राइट, tRNA is ट्रांसफर, RNA is राइबो जोमल। ओके राकेश, हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है जो हमारा, उससे पहले का हमारा पूरा कवर हो चुका है, तो अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, इससे पहले का पूरा हो चुका है। ठीक है, तो देखो अभी बस हमने ये देखना है कि जो जीन है वो डीएनए पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब जो डीएनए की सीक्वेंस है वो कोड करती है टीआरएनए के लिए, आरएनए के लिए, तो ये सारे जीन के काम होते हैं। अब वो कैसे कैसे होते हैं ना, हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जानने से पहले ना, सबसे पहले तो ये जानो, एक वर्ड आता है सिस्ट्रॉन करके, आता है ना, याद है सिस्ट्रॉन? तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। मतलब डीएनए इतना बड़ा है, तो उसका एक छोटा सा सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड यानी जो पूरी सीक्वेंस बनाने वाला है, ये जो पूरी ऐसे करके सीक्वेंस बनेगी पेप्टाइड की, उसको जो कोड करने के लिए जो छोटा सा स्ट्रैंड हम सेगमेंट लेंगे उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। आउट ऑफ इतना लंबा सेगमेंट में से हमने छोटा सा एक सिस्ट्रॉन निकाल लिया है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इट इज द स्ट्रक्चरल
जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये देखो स्ट्रक्चरल जीन, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये दिस इज ये, ठीक है। तो अब ये जो सिस्ट्रॉन है ना, इसकी कहानी कुछ ऐसे चलती है, ऐसे ये देखो। तो सिस्ट्रॉन जो है ना दो तरह के होता है, मोनो सिस्ट्रॉनिक और एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। जो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है ना वो किसमें होता है? यूकैरियोट्स में, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक किसमें होता है? यूकैरियोट्स। और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है वो किसमें होता है? बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब देखो पॉलीसिस्ट्रॉनिक के बेचारा सीधा साधा है पुराने जमाने का, ये आजकल के जो जमाने के यूकैरियोट्स वाली चीज है ना, ये दिक्कत देती है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक में पता क्या हो रहा है? हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, कि मतलब एक के बाद एक आ जाए कोई चीज, एक के बाद एक आ जाए सीधे साधे, नहीं, ऐसा नहीं। एक के बाद कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, कुछ ऐसा गंदा सा ओलझोल हो जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक में। मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है? हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। कि जो कोडिंग सीक्वेंस है ना वो सीधे सीधे नहीं चलती है, उसमें थोड़े से ना इंटरप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो जो जीन्स होते हैं, जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, जिसकी वजह से जीन्स स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने बता दिया कुछ इंटरप्शन आ रहे हैं, तो मतलब इस इंटरप्शन आ रहे हैं तो ना कुछ क्या रिपीट कर रहे हैं, सुना है ना, बताओ एक बार, तब तक हम बताते हैं, ठीक है। तो देखो, तो जो है कोडिंग सीक्वेंस, और हमने याद रखना कोडिंग सीक्वेंस को ना एक्सपोज्ड सीक्वेंस भी बोल रहे हैं, ठीक है। कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपोज सीक्वेंस। तो आपने देखी होगी दो चीजें होती है, एक होता है एक्सॉन और एक होता है इंट्रॉन, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दो चीज है, ठीक है, क्लियर है सबको। तो एक्सॉन क्या है? सीक्वेंस टू अपियर इन मेच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जो मेच्योर प्रोसेस्ड हो चुका है ना आरएनए, उसके अंदर जो सीक्वेंस अपियर हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स, ठीक है। अब इस एक्सॉन्स है, ये बेचारे ये रहे एक्सॉन्स, ठीक है। इसके बीच में ना कोई दिक्कत देने वाला आ जाता है, जैसे हर किसी की जिंदगी में कोई दिक्कत देने वाला आता है ना, तो एग्जॉन की जिंदगी में जो दिक्कत देने आ रहा है बीच में वो कौन है? इंट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये दे डू नॉट अपियर इन मेच्योर आरएनए, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन और इंट्रॉन की कहानी है ना, ये जस्ट मैंने अभी आपको हिंट देने के लिए बताई है, पर आगे जैसे मैंने क्या बोला कि हमेशा देखो क्या बोला, हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, जीन स्प्लिट वगैरह हो जाता है, समथिंग कुछ ऐसा हो जाता है कि एक्सॉन्स जो है, जो एक्सॉन्स हमेशा ना वहां पे होते हैं मेच्योर आरएनए में, पर इंट्रॉन्स नहीं होते। क्या होता है? एक्सॉन के बाद इंट्रॉन आ गया, इंट्रॉन के बाद एक्सॉन आ गया, इंट्रॉन के एक्सॉन के बाद इंट्रॉन आ गया। तो बेटा ये जो एक्सॉन है ये तो होंगे मेच्योर आरएनए में, पर ये जिंदगी में इसके ना दिक्कत देने आ रहे हैं इंट्रॉन, तो इनको ना उठा के ना बाहर फेंक दिया जाता है कि निकलो तुम बहुत परेशान कर रहे हो। तो इसलिए ये मेच्योर आरएनए में कभी नहीं होते, क्योंकि इनको धक्का मार के निकाल दिया जाता है, कैंची से काट के ना इनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो वो कैसे फेंका जाता है वो अभी अपन बातें देखेंगे, अभी बस मुझे ये बताना था एक्सॉन क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं और इंट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। और मतलब आप ना ऐसे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कि एक एग्जॉन है फिर इंट्रॉन है, एग्जॉन है इंट्रॉन है, कि मतलब है ना कीर्ति बोल रही है कि
कि अगर ऐसा भी हो रहा है तो चलने दो ना यार, हमारे घर से क्या जा रहा है, नालायकों को भी साथ में रहने दो, अच्छे लोगों को भी साथ में रहने दो। नहीं, हम सबको साथ में नहीं रहने दे सकते। क्यों? अगर एग्जॉन इंट्रॉन सब एक साथ इंटरप्टेड मैनर में प्रेजेंट है तो बेटा क्या होता है ना, ये पूरे जो प्रोसेस है कॉम्प्लिकेट कर देता है, रेप्लीकेशन का प्रोसेस ना कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो वो पूरा स्मूथली हो जाए, एक ही चीज लगी रहे, उसके लिए हमें इसको बीच में से निकाल के फेंकना पड़ता है। अब जैसे समीर है, वो इतना मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बकर 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 कर रहा है, पर हमारे पता पड़ा अंजलि बहुत शांति से बैठी, तो अंजलि को गुस्सा आ जाएगा, तो अंजलि क्या करेगी, समीर को बाहर निकाल के फेंक देगी। तो वही चीज है, ठीक है। जू भी अभी बताया ना, कॉम्प्लिकेट क्यों नहीं अच्छा होता, क्योंकि अंजलि फिर समीर जैसे लोगों को उठा के बाहर फेंक सकती है। ठीक है, तो आरएनए जो है ना, मैंने आपको बता दिया था, बैक्टीरिया में कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर, ठीक है। तो अभी इनके काम क्या है, इनके नाम जान के क्या रखा है मैम, नामों में कुछ नहीं रखा, काम बताओ, काम देखा जाएगा। तो एमआरएनए का काम है प्रोवाइड टेम्पलेट, ये जो अपन कर रहे हैं ना ट्रांसक्रिप्शन, हवा में नहीं करेंगे, चांद सितारों में नहीं करेंगे, ये अपन एक टेम्पलेट चाहिए होगी जिसमें पूरा प्रोसेस चलेगा। तो एमआरएनए वो काम करता है, ये टेम्पलेट लाके देगा। टीआरएनए क्या करेगा, ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड जेनेटिक कोड, ठीक है। वो कोडिंग चलेगी ना, अपोजिट अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री वाली, क्या फिर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज है वो लगाई जाएगी। ये वाला काम किसका है, टीआरएनए का, ठीक है। मतलब टी है जो ट्रेवल ट्रेवल वाली चीजें करेगा ना, इधर उधर लाने करने की, वो टी वाला करेगा। एमआरएनए ठीक है, टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, और आरएनए क्या करेगा, स्ट्रक्चरल एंड कैटलिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका रोल ट्रांसक्रिप्शन में भी है और ट्रांसलेशन में भी है। तो आरएनए क्या करता है, स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करता है और कैटलिटिक रोल। ऐसा नहीं है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो जिंदगी भर चलता रहे, यहाँ पे जो है ना भूमिका है वो बैठ के देख रही है, यार कब से तो चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये भूमिका की जो दुविधा है ये आरएनए खत्म करता है। आरएनए ने देखा भूमिका बहुत परेशान हो रही है, कब से चला जा रहा है, तो फटाफट रिएक्शन को ना, प्रोसेस को पूरा फटाफट फटाफट करता है। कौन, आरएनए। तो भूमिका का दोस्त कौन है, आरएनए, ठीक है। अब ये पूरा जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, इसमें मैंने अभी आपको चीजें बता दी है, एक बार आप पहले ओवरव्यू करके देख लो कि क्या क्या मैंने बताया इसके अंदर। देखो मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री चीजें चलती है, ये सबको बताया, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रैंड चाहिए होती है जिसके ऊपर चलता है, डबल स्ट्रैंड में एक साथ दोनों चीजें नहीं होती, क्योंकि मैंने बता दिया वो अलग अलग प्रोटीन सिंथेसिस कर लेंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। ये चीज नहीं कर सकते कि दोनों स्ट्रैंड को एक साथ करवा दे। फिर ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होती है उसमें तीन चीजें होती है, एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक टर्मिनेटर होता है, ठीक है। फिर और क्या था, और तो सिस्ट्रॉन मैंने बताया, जिसके अंदर एक दो तरह के होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉन और पॉलीसिस्ट्रॉन। मोनोसिस्ट्रॉन में ना क्या होता है, इंटरप्शन प्रेजेंट होता है एक्सॉन और इंट्रॉन का, तो इंट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है घर के, वो बाद में फेंका जाएगा, ठीक है। और सिर्फ एक्सॉन ही बचता है आरएनए में, ठीक है। और आरएनए का काम बता दिया मैंने आपको, ये सारी चीजें जो है हमने सामान इकट्ठा कर लिया है। अब सामान इकट्ठा करके अब हम चीजें करने वाले हैं, ठीक है। अब हम जो प्रोसेस है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखना, सबसे पहले ये समझ लो, जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ना वो तीन चीजों में होता है। किसमें होता है, तीन चीजों में। पहला इनिशिएशन, दूसरा कोई बताएगा क्या होता है, इनिशिएशन मतलब शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत। दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। क्लियर है सबको? तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कर कौन रहा है यार, कोई हवा से कोई जादू आया या कौन करके गया? ये कर रहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज,
ये याद रखना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में कॉपी हो रही है, इसलिए यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमने लिखा है। कंफ्यूज ना हो जाना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे आता है, आपको कल मैम ने पढ़ाया होगा, कल मैम ने पढ़ाया था ना, तो ऐसे याद रखना, मैम ने जो टॉपिक पढ़ाया था जिन, तो वहां पे आपको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आता है, ठीक है, रेप्लिकेशन में। तो आप लोगों के लिए तो और इजी हो जाएगा, दूसरी मैम ने जो बताया वहां पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और जहां से मानसी मैम ने बताया वहां से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो मैंने कहां से बताया है, ट्रांसक्रिप्शन से। तो ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब क्या होगा, क्या करता है ये, क्या करता है इसको लाके हमने क्या किया, अगर ये हमको इसको घर में लाए हैं तो कुछ काम करवाएंगे इससे, तो क्या करता है, इट विल कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया, ठीक है। कैटलाइज करता है यार रिएक्शन को, कैसे करता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर, जहां से हमारा पूरा सब कुछ शुरू होता है, प्रमोटर से वहां पे जाके चिपक जाता है ये आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये अगर जाके चिपक गया तो इसका मतलब है अब शुरू हो गया है इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, अब जाके ये चिपका, ठीक है। आंसर दे दो, दे सकते हैं सारा हमने, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि अब इनिशिएट हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, कैसे, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज था ये जाके चिपक गया प्रमोटर पे, ठीक है। तो चिपक गया, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप हो चुका है, इनिशिएशन, शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। मैंने अभी आपको शुरू के लेक्चर में बता दिया था न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, दो काम करता है, ड्यूअल पर्पस शो करता है, क्या शो करता है कि वो कैटलाइज करता है रिएक्शन को बहुत फास्ट, और अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इनिशिएशन नहीं ऐसे जाके चिपक गया और आराम आराम से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ऐसे नहीं। इनिशिएशन क्या है, तो उसको खत्म करना है ना, जैसे भूमिका को दिक्कत है कि नहीं यार जल्दी करो, ये इतना लेट लेट हो रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा ये पूरा प्रोसेस, तो उसके लिए यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर पॉलीमराइज होना शुरू हुआ, ठीक है। यहीं पे क्या हो गया, ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, क्या हुआ, डायग्राम दिखाऊंगी मैं भी आपको, ये जैसे डबल स्ट्रैंड है ना, तो यहाँ पे ओपनिंग होना भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब ये पूरा प्रोसेस ऐसे चल रहा है, लाइन से चल रहा है, तो ना इलोंगेशन, सेकेंड जो स्टेप आता है वो आता है इलोंगेशन, ठीक है, कि मतलब पूरी स्ट्रैंड में ही प्रोसेस चल रहा है, लंबा चल रहा है, तो इलोंगेशन हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, फिर पॉलीमरेज जो होगा ना एंड में पहुंच जाएगा टू टर्मिनेटर साइट, जिसको हम बोलेंगे तीसरा स्टेप, जिस क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन, क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन, क्लियर है सबको। जब ये टर्मिनेशन होगा तब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज फॉल्स ऑफ, ठीक है। अभी रुको मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, हाँ इसमें अभी डायग्राम दिखाने से पहले मैं बताऊंगी। अब देखो ये पूरा, देखो अब ये देखो पूरा क्या हुआ, इनिशिएशन, ठीक है, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। तो भैया अब जब टर्मिनेशन हो चुका है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, गिर जाता है, तो बेचारा ये एक अकेला आरएनए पॉलीमरेज सब कुछ कर गया, इनिशिएशन कर गया, इलोंगेशन कर गया, टर्मिनेशन हो गया, मैम हमसे यहाँ पे एक काम नहीं हो रहा, ये आरएनए पॉलीमरेज इतना कितना फालतू है कि तीन तीन काम कर दिया। तो देखो ये बहुत छुपा रुस्तम है यार, मतलब ये अकेला काम, क्रेडिट इसने अकेले ले लिया है, ठीक है, पर इसने बताया नहीं किसी को। तो असलियत तो ये है कि आरएनए पॉलीमरेज ओनली केपेबल ऑफ इलोंगेशन, असलियत में तो ये सिर्फ इलोंगेशन करता है, असलियत में तो ये सिर्फ इलोंगेशन कर रहा है, बाकी आरएनए पॉलीमरेज में ना दो चीजें होती है, दो चीजों से जुड़ा होता है ये आरएनए पॉलीमरेज, इज एसोसिएटेड विथ दो चीजें हैं, एक है
ऐसा करके जिसको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, और एक ये है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। तो बेटा इनिशिएशन फैक्टर क्या करवाता है, इनिशिएशन करवाता है, और जो टर्मिनेशन फैक्टर होता है वो करवाता है टर्मिनेशन। जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है ना, तो इसी के अंदर जुड़ा होता है ऐसे करके इनिशिएशन फैक्टर, और ऐसे करके जुड़ा होता है इसी में। ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसके अंदर इनिशिएशन फैक्टर है, और ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसी के अंदर टर्मिनेशन फैक्टर है। तो आरएनए पॉलीमरेज असल में सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन कराता है, पर वो बहुत ज्यादा श्याणा है, हर चीज का है ना क्रेडिट उसने ले लिया है। बेचारे इलोंगेशन टर्मिनेशन फैक्टर और इनिशिएशन फैक्टर को कुछ क्रेडिट नहीं लेने दिया उसने, है ना। क्लियर सबको? तो अब मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ ताकि आप सबको ना अच्छे से क्लियर हो जाए। अरे रुको बेटा रुको, अरे रुको, क्या हो गया, किसको गिल्ट दिल पे ले लिया समीर ने? अरे क्या हुआ समीर ने, किस बात को गिल्ट पे ले लिया, इतने गंदे गंदे इमोजी भेज रहा है ये तो। क्या हुआ समीर, किस बात को दिल पे ले लिया? पता नहीं क्या ही हो गया, तो दिल पे नहीं दिमाग पर लो। अरे मैम आपने बोला था ना समीर को हटा दो, वो बोलता है इसी बात पर, अब बोले ही नहीं रहा। समीर को कहाँ से हटाना था? अरे बेटा अच्छा वो मैंने एग्जांपल दिया था कि अंजलि बोल रही है कि समीर को हटा दो, ऐसा एक प्रोसेस में अंजलि ने, नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में तो अंजलि को बुरा मानना चाहिए था कि यार अंजलि से मजाक बर्दाश्त नहीं हो रहा, समीर कर रहा है, तो अंजलि को दिक्कत आ रही है बेचारी, तो यहाँ पे हंसती खेलती बैठी हुई और समीर चुप हो गया। अरे समीर बच्चा वो एग्जाम्पल था, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा वो एक एग्जाम्पल था। मैम आप बच्चों को लड़ने दो, आप पढ़ाओ नीट इसी साल है। हाँ यार फिर ना पता पड़ा अंजलि है ना समीर को है ना निकाल रही है रूम से, और समीर वो नहीं कुछ बच्चे होते हैं वो चुलबुले टाइप्स, फिर वो क्या होता है वो सारा टॉप कर जाते हैं, समीर पता पड़ा नीट में है ना फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक लाके बैठा है, और फिर वो बोले निकाला था ना तूने मुझे घर से, ले देख ले मेरे साथ रहती तो कम से कम तू भी है ना तेरा ये हो जाता वो हो जाता, ऐसे समीर आके बोल रहा है। देखो देखो कितना खुश हो गया, देखो कितना खुश हो गया समीर, देखो देख रहे हो, देख रहे हो, देख रही हो अंजलि अभी कैसे तुम्हारे निकालने के बाद भी आज खुश है समीर
अंजलि बोल रही है। नहीं नहीं बेटा देखो ऐसा है, अपन रैंक वैंक छोड़ो, मेरे को ऐसा लगता है ना यहाँ पे जितने बैठे हैं इस वाले बैच में स्पेशली, चाहे फिर वो अंजलि हो या समीर हो, मैंने ये चीज नोटिस की है कि मतलब ना आप लोगों को कंपैरेटिवली नॉलेज जितना दूसरे बैचेस में मैंने चेक किया है, वो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं करी, चाहे वो अंजलि है या समीर, यहाँ पे ना काफी बच्चों को नॉलेज है, दूसरे बैचेस में इतना नॉलेज नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो इतनी जल्दी आंसर्स नहीं आ पाते, तभी ना मैं इस बैच में ज्यादा क्वेश्चन करा पाती हूँ, ज्यादा टाइम दे पाती हूँ। और ये जो डायग्राम्स वगैरह देख रहे हो ना, ये सिर्फ पर्टिकुलर इसी बैच में होते हैं और किसी बैच में नहीं हो पाते। टू बी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ना आप ही बच्चों के साथ करने को मिलता है, क्योंकि आप लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं और वो रिस्पॉन्स ऐसे नहीं कुछ भी हवा में आ रहे हैं, एग्जैक्टली आप लोगों के सही आंसर आते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है, समझ रहे हो। तो अपन पढ़ाई के वक्त मजाक वाली चीजें अलग, वो इसलिए होती है ताकि आप लोगों को चीजें दिमाग में बैठ जाती है रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, वो अपन इसलिए लेते हैं। नहीं तो अभी मैं आपको समझा के चली जाऊँ प्रमोटेड स्ट्रक्चरल जीन और एंड में डीएनए हेलिक्स टर्मिनेटर, तो आपको ना वो चीजें रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो जैसे अभी यहाँ पे समीर गुस्सा हुआ है या एग्जाम्पल अंजलि गुस्सा हुई है, तो उनको कहीं ना बैक ऑफ द माइंड याद रहेगा कि यार कुछ ऐसा हुआ था। तो अगर वो याद भी नहीं आ पा रहा ना, तो उनको एग्जाम में एकदम से क्लिक हुआ होगा जो वहां पे उनको हेल्प करेगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे अपन अभी छोटे बच्चे नहीं है, तो अपन को ऐसे गुस्सा नहीं होना होता है किसी की बात पे, ठीक है। तो हाँ, अब अपन कहाँ पे थे, अपन तो डिस्ट्रैक्ट हो गई यार मैं तो। देखो अब है ना, मैंने आपको बता दिया तीन चीजें हो रही है, एक हो रहा है इनिशिएशन, एक हो रहा है इलोंगेशन और एक हो रहा है टर्मिनेशन, ठीक है। हाँ राइट पार्ट, ठीक है यार, ये साइकोलॉजी है, मतलब ये चीजें शुरू से यूज की जाए ना तो थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाता है, गधा मजदूरी नहीं करनी है। बच्चे ना, एक बच्चे होते हैं जो 12 घंटे करके भी क्लियर नहीं होते हैं, और एक बच्चे होते हैं जो 4 घंटे भी पढ़ के क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों के पास क्या दिमाग में कुछ चीजें बैठी हुई है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना, तो अगर आप वो चीजों को एक बार भी पढ़ोगे ना, ये वाला जो बैच है जिसके अंदर आप सब लोगों, इसके ना थोड़ी चीजें जो है ना आपके अंदर दिमाग में जाती है कुछ ऐसे जिसमें रियल लाइफ चीजें हो रखी होती है, तो साइकोलॉजी क्या वो चीज आपको जल्दी याद होगी कंपेरेटिवली दूसरी चीजों, तो आप क्या फिजिक्स में ज्यादा टाइम दे पाओगे, तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं दूसरे बैचेस से, ठीक है। आपको बैठ के रटना नहीं है, रटने की जगह आप फिजिक्स में टाइम दो, केमिस्ट्री में टाइम दो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट है इनिशिएशन, सेकंड है एलोंगेशन, थर्ड है टर्मिनेशन। तो मैंने क्या बोला कि जो आरएनए पॉलीमरेज है यार, ये बहुत सियाना है, इसने ना बेचारे देखो यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर दिख रहा है, मैंने आपको दो फैक्टर बताया, एक ऐसे सिग्मा फैक्टर ये जिसको सिग्मा बोलते हैं, और एक इसको रो फैक्टर, इसको सिग्मा बोला है और इसको रो। तो ये है इनिशिएशन फैक्टर और ये है टर्मिनेटर फैक्टर, ये मैंने अभी आपको बता दिया था, है ना। तो देखो ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड देखो यहाँ से शुरू हो रहा है प्रमोटर, इस वाले एंड से, और ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, इससे जाके जुड़ेगा और चलना शुरू होगा। तो ये चल रहा है, बीच तक आ गया है, यहाँ पे देखो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बीच में आ चुका है, और बीच में आते आते ये आरएनए बनाता जा रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, आरएनए बनाता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर इसके साथ में चल रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा एंड में पहुंच गया है, और यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दिया गया है इसको, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है, तो रो फैक्टर आ जाता है, शुरू में है सिग्मा फैक्टर, एंड में है रो फैक्टर, और जब ये पूरा प्रोसेस हो चुका है, देखो ये खुलता जा रहा है, जब आगे चलेगा तो इसको आरएनए पॉलीमरेज को घुसने के लिए अंदर जगह की जरूरत होगी, अगर कोई चीज जुड़ी है तो उसको थोड़ा ऐसे ओपन अप खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो रही है, और जब ये पूरा एंड में यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ गया, तो ये देखो पूरा आरएनए इसने बना के बाहर निकाल के फेंका है, अपना पूरा काम किया है। तो ये डायग्राम सबको क्लियर है कि डीएनए हेलिक्स में आरएनए पॉलीमरेज कैसे चला, शुरू में उसके पास इनिशिएशन फैक्टर रहता है प्रमोटर साइट पे, और टर्मिनेटर साइट पे उसके पास रहता है टर्मिनेटर फैक्टर, क्लियर है। ऑल मैटर मैटर क्लियर, क्लियर है ना सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन।
गरीब सूबिया यार, पता है मैं एक्चुअली वही देख रही हूँ अभी क्या, एक तो बैचेस भी बहुत सारे हो गए तो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस ना काफी थोड़ा लंबा ही ले रहे हैं, तो उसमें मैंने बोला तो है यार, मैं ट्राई तो कर ही रही हूँ मेरे साइड से। ठीक है देखो, तो इसमें आज हमने ट्रांसक्रिप्शन में कुछ नहीं देखा है, बस ये वाला जो आज डायग्राम था ना हमने इसी के लिए देखा। आप दिमाग में बैठा लेना, ये जो डायग्राम है बस यही है ट्रांसक्रिप्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन बहुत इजी था, किसी को कोई कंफ्यूजन लगा, ट्रांसक्रिप्शन सबको समझ आ चुका है। और नहीं आपस में मत लड़ा करो कोई भी, ठीक है? आपस में लड़ने में क्या होता है, आप लोग फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो समझ नहीं आएगा। तो आज ना हम यही तक करेंगे, हम बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और अभी फिर मैं आपको 10 मिनट और बैठने के लिए बोल दूंगी तो बच्चे ऐसे हो जाएंगे, मैम नहीं 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 तो अपन को ऐसा उतावले नहीं होना है, अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं ना ये शो कर रही हूँ स्लाइड्स, क्योंकि अभी मैं वो आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फर्स्ट है ये, हाँ एक्चुअली तन्नू, एक्चुअली फर्स्ट स्लाइड, ठीक है? सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, समी स्क्रीनशॉट ले लो, फाइव, सिक्स, सेवेंथ, एट। यार ये तो बहुत ही ज्यादा वो स्मार्ट है समीर तो समीर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है, एट। चलो खत्म, मतलब पूरा लेक्चर भी रिकॉर्ड हो गया होगा, है ना समीर? मतलब मेरा पूरा लेक्चर भी रिकॉर्ड हो गया क्या? यस मैम, बताओ यहाँ बच्चे लड़ रहे हैं आपस में कि मैम लेक्चर अपलोड कर दो, तभी मैं सोचू समीर अभी तक एक बार क्यों नहीं बोला। क्यों? क्योंकि समीर पहले ही खुद से लेक्चर रिकॉर्ड कर ले रहा है, वो किसी के भरोसे रह ही नहीं रहा। आपने मुझे, अच्छा समीर मेरे खिलाफ कुछ यूज मत कर लेना कभी, ठीक है? ये मैं पहली बता रही हूँ, मेरे अगेंस्ट कुछ यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है? और बच्चों का सुनो, ये आपकी क्लास में जो और बच्चे हैं उनको भी भला कर दो यार, थोड़ा एक दूसरे के साथ ना कांटेक्ट में शेयर वगैरह कर लिया करो रिकॉर्डिंग, ताकि एक दूसरे का भला हो जाए, और फिर कहीं ना कहीं आपस में लड़ भी लेना तुम पर्सनली, ठीक है? बस साथ में बात करते करते मेरे अगेंस्ट गैंग अप नहीं करेगा कोई।